दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं 500 रिपीटेड पीपीएससी एमसीक्यूज़। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में बार बार दोहराए जा रहे हैं। तो आज इसका पहला हिस्सा है, पार्ट वन हम शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह पार्ट वाइज हम ये पूरे 500 एमसीक्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ओरिजिनल पेपर हैं, जो उनके पेपर आते हैं, जिस तरह सब इंस्पेक्टर का पेपर हो गया, फूड इंस्पेक्टर का पेपर हो गया, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल और इस तरह के जो उनके पेपर होते हैं, वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो आज पहला लेक्चर है अपना, और इसमें हम पहले 50 एमसीक्यूज हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज है, फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज्ड गवादर। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, पाकिस्तान ने किस मुल्क से गवादर खरीदा था। गवादर जो है ये बेसिकली एक सी पोर्ट है। तो पाकिस्तान ने गवादर जो है ये ओमान से खरीदा था। पाकिस्तान ने गवादर किस मुल्क से खरीदा था? ओमान से। विच रेडियो स्टेशन आर रेडी एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के क़याम के वक्त कौन सा रेडियो स्टेशन पाकिस्तान में मौजूद था? तो इसका आंसर है पिशावर रेडियो स्टेशन। वेन वाज स्टेट ऑफ सवात इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। सवात की जो रियासत है वो पाकिस्तान में कब शामिल की गई? 4 अप्रैल 1969 को। रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। जो माह रमज़ान है वो इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है? तो ये 9वां महीना है। तो क्या जवाब आ गया? 9th। विच इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर फाउंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। केटू इज़ आल्सो कार्ड। केटू जो पहाड़ी चोटी है उसका दूसरा नाम क्या है? गुडविन एस्टन। आइफल टावर इज़ लोकेटेड इन। आइफल टावर जो है वो कहाँ पे मौजूद है? फ्रांस में। आइफल टावर कहाँ मौजूद है? फ्रांस में। पेंटागन इज़ द मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ। पेंटागन जो है वो किस मुल्क का मिलिट्री हेडक्वार्टर है? यूएसए का। विच कंटिनेंट हैज़ नो डिज़र्ट। कौन से बर्आज़म में सहरा नहीं है? यूरोप में। यूरोप जो है इसमें कोई सहरा मौजूद नहीं है। हाउ पेंटेड मोनालिज़ा। मोनालिज़ा जो है उसको किसने पेंट किया? लियोनार्डो डी विंसी। द रिवर दुनाबे राइजेज इन विच कंट्री। दुनाबे रिवर किस मुल्क से निकलता है? जर्मनी से। और इसकी लंबाई जो है वो 1770 माइल्स है। विच कंट्री इज निक नेम्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ बैटल्स थ्रू आउट हिस्ट्री फॉट ऑन इट्स सोल। किस मुल्क को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? क्योंकि कॉकपिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगें हुई हैं। तो ये बेल्जियम को कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया। लीबिया का जो दारुल हुकूमत है उसका क्या नाम है? ट्रिपोली। द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज एस्टेब्लिश एट। सार्क का परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ पे कायम है? काठमांडू। नेपाल का दारुल हुकूमत है काठमांडू, वहाँ पे सार्क का परमानेंट सेक्रेटरी मौजूद है। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। काफ़ी, दुनिया की सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन सा मुल्क पैदा करता है?
तो ये ब्राज़ील। हाउ मैनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनओ? यूएनओ से मंजूर शुदा कितनी ऑफिशियल ज़बानें हैं, मतलब वो ज़बानें जो यूएनओ तस्लीम करता है? तो ये 6 ज़बानें हैं। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? जो इंसानी जिस्म है उसमें रिब्स के कितने जोड़े मौजूद हैं? 12। विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्राम इथोपिया बाय रेड सी? रेड सी से कौन सा मुल्क जुदा होता है? यमन। यमन जो है वो रेड सी के ज़रिए इथोपिया से अलग होता है। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका? अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? सूडान। इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ ऑक्सीजन इज़ अप्रॉक्सीमेटली? ज़मीन में ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट मौजूद है? 46%। माउंट लॉगन इज़ द हाईएस्ट पीक इन विच कंट्री? माउंट लॉगन किस मुल्क की सबसे बड़ी चोटी है? कनाडा की। इन विच स्टेट ऑफ यूएसए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज? यूएसए की कौन सी स्टेट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मौजूद है? न्यू जर्सी। व्हाट इज मेजर्ड बाय एन एमीटर? इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर से क्या मेजर किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। द पाल्क स्ट्रेट सेपरेट्स विच टू कंट्रीज? पाल्क स्ट्रेट कौन से दो ममालिक को अलग करता है? इंडिया एंड श्रीलंका। जो श्रीलंका है इसको टियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। द खैबर पास लिंक्स पाकिस्तान विद विच कंट्री? खैबर पास पाकिस्तान को किस मुल्क के साथ लिंक करता है? अफगानिस्तान। हाउ डिस्कवर्ड पेंसिलिन? पेंसिलिन को किसने दरियाफ्त किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। द गोबी डिजर्ट एक्सटेंड्स ओवर विच टू कंट्रीज? गोबी डिजर्ट जो है वो कौन से दो ममालिक में फैला हुआ है? चाइना और मंगोलिया में। द कैपिटल ऑफ जॉर्डन इज? जॉर्डन का जो दारुल हुकूमत है उसका नाम क्या है? अमन। डेड सी इज लाइंग बिटवीन? डेड सी कहाँ पे मौजूद है? इसराइल एंड जॉर्डन। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? इंडिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? गंगा। गंगा दरिया इंडिया का सबसे लंबा दरिया और पाकिस्तान का अंदस रिवर है। रोम स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर? रोम किस दरिया के किनारे पे मौजूद है? टिबर रिवर। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ इन? 8.5 मिनट। जो रोशनी है वो सूरज से ज़मीन तक 8.5 मिनट में पहुंचती है। कॉन्टास इज द नेशनल एयरलाइन ऑफ विच कंट्री? कॉन्टास किस मुल्क की कौमी एयरलाइन है? ऑस्ट्रेलिया की। डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी इन ह्यूमन बॉडी लीड्स टू? विटामिन सी की कमी इंसानी बॉडी में किस बीमारी की वजह बनती है? टीथ डिजीज, दांतों की। विच यूएस स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन? अमेरिका की कौन सी रियासत में कम लोग आबाद हैं? अलास्का। यूएसए परचेज्ड अलास्का फ्राम विच कंट्री? अमेरिका ने अलास्का किस मुल्क से ख़रीदा था? रशिया। विच अफ्रीकन कंट्री वॉज फॉर्मली कॉल्ड फ्रेंच सूडान?
अफ्रीका के किस मुल्क को फ्रेंच सूडान कहा जाता है? माली को। विच कंट्री इज कॉल्ड सिटी ऑफ सेवन हिल्स? किस मुल्क को सात पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? रोम को। मनामा इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? मनामा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? बेजिंग। एडिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? एडिस अबाबा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? एथोपिया। विच इंडियन रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय गुरु नानक? गुरु नानक ने किस इंडियन रिलीजन की बुनियाद रखी? सिखिज्म। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज? ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया। वियना। इन टर्म ऑफ एरिया विच इज़ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब? रकबा की बुनियाद से पंजाब का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? बहावलपुर। वियना स्टैंड्स ऑन विच रिवर? वियना जो है वो किस दरिया के किनारे पे वाक़ है? तो इसका आंसर है दुनाबे रिवर। विच इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड? पोलैंड का दारुल हुकूमत किया है? वारसा। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट? इंडियन बरे सगीर का पहला मुसलमान हुक्मरान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वट इज़ द कैपिटल ऑफ मोरक्को? मोरक्को का दारुल हुकूमत किया है? रबत। इसी तरह एक और क्वेश्चन आ जाता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसमें ये पूछा जा सकता है कि इब्ने बतूता किस मुल्क से आया था? तो उसका जवाब भी मोरक्को ही है। द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज़? दुनिया का सबसे पुराना मज़हब कौन सा है? हिंदुइज्म। एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन? एशियन डेवलपमेंट बैंक कब कायम किया गया? तो इसका आंसर है 1966।